हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आजकल के रोमकॉम एनिमेस बिल्कुल शिट हैं, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर तुमने बहुत सारे पुराने रोमकॉम एनिमेस देखे होंगे तुमने एक चीज नोटिस की होगी, वो बहुत ज्यादा हार्ट वार्मिंग होते हैं और देखने में बहुत ज्यादा मजा भी आता है। अगर तो एकदम दिमाग बंद करके तुम उस एनिमे को देख सकते हो, जो कि तुम्हें मजा भी आएगा देखने में और कमाल का भी लगता है। पर आजकल के रोमकॉम एनिमेस तुम्हें ये अच्छी स्टोरी कम, अच्छे कैरेक्टर डेवलपमेंट कम, तुम्हें बस ये दिखाते हैं, मतलब फैन सर्विस। और ये एक एनिमे की बात नहीं है, तुम यहाँ पर बस देख सकते हो एक के बाद है जैसे ये सारे के सारे। तो इसलिए भाई मैं इन सब चीजों से तंग आ चुका हूँ, क्योंकि मैं हूँ एक ब्रह्मचारी आदमी। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे रोमकॉम एनिमे जिन्हें तुम देख सकते हो और ये कमाल के एनिमे बहुत ज्यादा हार्ट वार्मिंग है। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। पहले एनिमे का नाम है ये ग्रैंडपर ग्रैंडमा यंग। अब देखो, मुझे ये एनिमे पहले बहुत ज्यादा अजीब लगा था, टेक्निकली कहूँ तो बहुत ज्यादा अजीब है, और मैं इसे सही में रोमकॉम कहना भी नहीं चाहता। शायद से मैं तुम्हें इसे स्लाइस ऑफ लाइफ कह के ही बुलाऊ। जो एनिमे है ये उसके ऊपर बात करती है, रोमकॉम एनिमे है जहाँ पर तुम्हें दिखाया जाता है दो ग्रैंडमा और ग्रैंडपा वापस से यंग हो जाते हैं। अब यंग हो जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग पूरी मिया की तरह एकदम चिपक के वापस से, तुम लोग समझ जाओगे मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि तुम इस एनिमे में देख सकते हो प्योर लव, प्योर रोमांस और कमाल की कॉमेडी के साथ, और तुम्हें स्लाइस ऑफ लाइफ तो हमेशा दिखता ही है इसमें। ओवरऑल ये कमाल का एनिमे है, पर इस चीज की वजह से ये एनिमे इतना ज्यादा कमाल का नहीं, उसकी रेटिंग इतनी ऊपर तक नहीं पहुंची और मुझे ये एनिमे इतना पसंद नहीं आया। असली रीजन है इसकी स्टोरी प्लॉटिंग और इसकी एंडिंग इतनी कमाल की थी, इसकी भाई रेटिंग को मैं दूंगा कम से कम भाई 8.5 तो आना ही चाहिए, क्योंकि इसकी जो लास्ट वाला एपिसोड था जिसकी एंडिंग हुई थी वो आउट ऑफ द बॉक्स थी, शायद तुम कह सकते हो माइंड ब्लोइंग थी। प्लॉट के ऊपर भाई 100 out of 100 स्टोरी कमाल की। मैं इसके एंडिंग और इसके प्लॉट और इसकी स्टोरी के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, ना ही मैं तुम्हें एक क्या कहता हूँ उसे स्पॉयलर देना चाहता हूँ। इसकी स्टोरी के ऊपर उतना ज्यादा बात नहीं करेंगे, तुम लोग समझो कि बस जो दो ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन थी वापस से यंग हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें उस चीज़ के ऊपर ही साइकिल होती है। मैं कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बुलशिट लगेगी और ऐसा तुम लोग सोचोगे कोई यहाँ पर इस चीज़ का सर्विशियस फील क्यों नहीं कर रहा, पर मैं तुम्हें कहूँगा उस चीज़ को भूल जाओ, ये कमाल का एनिमे देखो मज़ा आ जाएगा। पर एक चीज़ तुम्हें 100% याद रखनी है, जब भी एपिसोड के बीच में ये सैंड क्लॉक या आवर ग्लास जो भी चीज़ है ये तुम्हें दिखाई जाती है तो इसको बहुत ज़्यादा प्रिटी सीरियसली लेना, क्योंकि सैंड क्लॉक या हावर ग्लास जो भी तुम कहना चाहते हो इसके ऊपर ही बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। और अगर तुमने इस चीज़ को समझ लिया तो तुम्हें इसकी लास्ट वाले एपिसोड को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और एक कमाल के ट्रेलर में चीज छोड़ा है लास्ट में वो भी देखने में तुम्हें मज़ा आएगा। ओवरऑल मुझे लगता है ये एनिमे शायद सब खत्म हो चुका है, इसकी सेकेंड कोई सीरीज नहीं आएगी, और मुझे लगता है कि इन्हें वापस इसे मिल्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीजन 1 जैसे ख़त्म हुआ है उसे खत्म रहना ही देना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में कमाल का स्टोरी है जो कि तुम्हें सही में एक रियल इमोशंस के ऊपर फील कराएगी। सेकंड एनिमे है द ड्यूक ऑफ डेथ एंड हिज मेड। ये एनिमे कमाल का है, और मैं तुम्हें पहले बता दूं मुझे सीजीआई बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे सीजीआई शिट लगता है और मैं हमेशा कहता रहूंगा। इसका मतलब ये मत बोलना कि तू भाई एनिमेटर्स को घर जाता हुआ नहीं देखना चाहता, मैं जाता हुआ देखना चाहता हूँ, शायद से मैं चाहता हूँ कि वो अपने फैमिली के साथ भी बिताए, पर सीजीआई कहीं ना कहीं शिट लगता है, ये तो मानते हो नहीं मानते कमेंट में बताओ। पर इस एनिमे ने सीजीआई को इतनी कमाल के तरीके से यूज़ किया है ना, वो सही में माइंड ब्लोइंग है। और कमाल की बात है कि इस एनिमे को जेसी स्टाफ ने एनिमेट किया है, जेसी स्टाफ वन पंच मैन सीजन 2 कारण किया था याद है वही है, और मैं अभी सैल्यूट दूंगा इसके डायरेक्टर को, मतलब भाई उसने जिस तरीके से सीजीआई को यूज़ किया है ना वो कमाल की चीज़ है। और मैं ये तुम्हें बार बार क्यों बता रहा हूँ, एक बार तुम इस एनिमे को जाके देखो तुम्हें देखने को मिल जाएगा, तुम्हें इतने ज़्यादा क्या कहते हो उसे फैन सर्विस तो नहीं दिखेगी, पर हाँ यहाँ पर जो चीज़ है चिपकने का वो तुम्हें नहीं दिखा, क्योंकि हमारा जो MC है उसके ऊपर एक कट्स है। अब इसकी स्टोरी के ऊपर उतना ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दूंगा, पर इतना मैं कह सकता हूँ तीनों सीजन में से मुझे भाई फर्स्ट सीजन कमाल का लगता है, और ये एक हैप्पी एंडिंग वाली सीरीज है तो
ये याद रखना यहाँ पर कोई भी विलन नहीं है, ये चीज से माइंड में रखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और सीरीज का एंड भी ऐसे ही होता है, हर कोई हैप्पी रहता है, कोई फालतू की चीजें नहीं होती। और ये एक एनिमे कॉमेडी के ऊपर भी है, और इसकी कॉमेडी दूसरे कॉमेडी जॉनर से थोड़ी सी अलग हो सकती है, क्योंकि तुम्हें ऐसी ऐसी फालतू की चीज़ें देखने को मिल सकती है, क्योंकि सीजीआई तो तुम्हें पता ही है कितनी ज़्यादा अजीब हो सकती है, और इसलिए बहुत सारे अजीब अजीब सीन तुम्हें इस एनिमे में देखने को मिल जाएंगे। इस एनिमे में तुम्हें फिजिकल कॉमेडी और सिचुएशनल कॉमेडी देखने को मिल सकती है। और मैं वापस से कह रहा हूँ, इसकी सीजीआई को भाई हल्के में मत लेना, क्योंकि ये एनिमे कमाल का है, एक बार जाके देखो तुम्हें मज़ा आ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रॉम मी टू यू, भाई इस एनिमे को भाई कौन नहीं जानता, लिटरली बताओ भाई कितने दिन से वेट कर रहे थे तुम, शायद से 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, और आखिरकार ये एनिमे आ चुका। और भाई इसलिए प्रोडक्शन आईजी स्टूडियोज ने एक साथ 6 के 6 एपिसोड एक साथ रिलीज कर दिए थे, यल है, जिसमें से 5 एपिसोड भाई 1 घंटे 30 मिनट तक मैक्सिमम जा सकता है उसका हर एक एपिसोड। बिंज वॉचर्स के लिए भाई एकदम हेवन है, और जो सीजनल जो वीकली देखते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सिरदर्द है, जैसे कि मेरे ऊपर भी। सही बता रहा हूँ, 6 के 6 एपिसोड को कंप्लीट करने में मेरी हालत पतली हो गई थी, और मुझे लगता है भाई स्टूडियो वालों ने भी ऐसे ही कुछ सोचा होगा, मतलब तुमने सोचा ऐसे कुछ मीटिंग हो रही होगी कि यार बंदे जो हैं भाई 10 साल से वेट कर रहे हैं, एक काम करते हैं 6 के 6 एपिसोड ऐसे ही डाल देते हैं। इनने उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें हर एक हफ्ते वेट नहीं करना पड़ेगा एक और एपिसोड के लिए, अब उस हफ्ते को तुम बस एक बिंज वॉच करो पूरे एक सीज़न को कंप्लीट करने के लिए। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, ये एक सीज़न जो है ये एकदम स्लाइस ऑफ लाइफ के ऊपर है, क्योंकि तुम्हें पिछले सीज़न में तुम्हें बहुत सारे ड्रामा रोमांस ये सब देखने को मिलेगा, पर इस सीज़न थोड़ा सा स्लाइस ऑफ लाइफ और चुटकी भर थोड़ा सा रोमांस, और उसके बाद ये एक अच्छी सी डिश बन जाती है। और ये एनिमे इसकी आर्ट स्टाइल मुझे कमाल की लगी थी, पहले भी लगी थी और आज भी लगी है, और इसके लिए मैं कितना वेट कर रहा था भगवान नहीं जानता। और ये मैंने लिस्ट की सबसे ज़्यादा मोस्ट रिकमेंडेड सीरीज है, एक बार जाके देखो पता आ जाएगा। इसकी कलर कंपोजिशन कमाल की, इसकी आर्ट स्टाइल कमाल की है, और कैरेक्टर्स वो भी कमाल के हैं। इसका जो पहले सेकंड सीजन में जो ड्रामा था ना वो तो आउटस्टैंडिंग है, पर इस सीजन थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि शायद से मुझे लगता है कि मुझे बिंज वॉच करना पड़ा था शायद से इसलिए, पर ओवरऑल कमाल का एनिमे है। तो आज के बस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, चैनल तो सब्सक्राइब करो। Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative.